से अपने नौजवानों की रहनुमाई करें। यही वो सरजमीन है जहां मोहम्मद अली जौहर की माँ कहती थी, भलों को जगकर याद आता है कि खिलाफत की तहरीक थी, और मौलाना की माँ कहती थी कि कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जाग बेटा खिलाफत पे दे दो। आज से 100 साल पहले हमारी माओ को वो दम कम था कि अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन आज हमारी माए सियासत से बेगाना हो गई। यही वजह है इस आजाद मुल्क में अब क्या क्या ही नुकसान हुआ। यकीन है यहाँ का जो उम्मीदवार रहा है उनके बारे में जो शहादत हमको मिली है वो आपका क्या करता रहा है। 6 महीने वो नजर आता है इलेक्शन जीतने के लिए और जीत जाता तो गायब हो जाता है। आपकी गलियां, आपकी नलियां, आपके दूसरे मसाइल, सफाई के मसाइल सारे वही के वही पड़े रह जाते हैं। किसी के कंधे पर हाथ ले लेना, किसी से बीड़ी और सिगार मार मार कर पी लेना, ये किसी का वार्ड का तो काम हो सकता है, नुमाइंदे का काम ऐसा नहीं है। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठिए तो जानकारी के साथ स्वाभाविक तय कीजिए कि मेरे नाता के तरफ औसाद क्या होना चाहिए, समाजी हिस है कि नहीं, मिली हिस है या नहीं, अपने मसाइल को लड़ने की कुवत रखता है या नहीं, अपने मामला को जानता है या नहीं। सलाहियत तो बहुत सारे लोगों को होती है, बाजू में ताकत बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन अगर सरेराह किसी की इज्जत की नाम हो तो बहुत सारे लोग अपने कुर्ते और अपने पगड़ी को बचाने के लिए खड़े रह जाते हैं, और एक शख्स जो दौड़ कर चला जाता है कमजोर होता है और किसी की इज्जत की रखवाली करता है, उस ताकतवर से वो कमजोर अच्छा है जो किसी की रखवाली इज्जत की करता है, जो लोग अपनी ताकत को समझ के रखते हैं ऐसे लोग। मेरे भाइयों यकीन है कि दो जहर से देखने की जरूरत है, ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। मैं इसको दो जहर अपने आप को नलियों और गलियों में मत देखिए, यकीन है वहां नाकामी है, लेकिन वो किस पार्टी का उम्मीदवार है ये भी आपको देखने की जरूरत है। इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है कि मुल्क की क्यादत जिन लोगों के हाथों में नहीं है, उन लोगों ने मुल्क को मुनाफरत फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर नौजवानों के रोजगार तबाह बर्बाद कर दिए। कौमियत का नारा तो जरूर दे दिया, लेकिन मुल्क में कौमी जज्बे को उसने पामाल कर दिया है, कौमी सरमाया को उसने डुबा दिया है। एक अलविया है कि आज हमारे अकीदत और हमारे मजहब पर भी डाका पाला दिया जा रहा है, लेकिन जरा गौर करने की जरूरत है के रास्ते के कांटे की चुभन, रास्ते का कीचड़, लेकिन ये नाला आता है किनके घर से उसको भी देखने की जरूरत है। तारीख शाहिद है कि बीजेपी जो असल में आरएसएस की आगोश पर पली बढ़ी है, लेकिन इसको जनक कस ने दिया है। अगर तारीख के और आप बुलाते कि आप तो आप पाएंगे कि इस मुल्क में अकलियतों को दलितों को तबाह करने में कांग्रेस का बड़ा नापाक रहूंगा। ये कांग्रेस वो थी जो आजादी के लिए लड़ी थी, लेकिन आजादी के बाद जो कांग्रेस आई दफा 340 पर पाबंदी लगाकर एससी और एसटी के जुमरे से पसमानदा मुसलमानों को किसी ने छाड़ दिया था। यही वो कांग्रेस है जिन्होंने आपको हमेशा बीजेपी और फासिस्ट कुवतों का खौफ दिखाकर आपका वोट दिया। मैं समझता हूँ कि बक्का हाउस के लोगों आप गवाह होंगे, आतिफ और साजिद का लहू अभी भी शायद ताजा होगा, आतिफ और साजिद के लहू का जिम्मेदार कौन। मेरी माँ और बहने यकीन है कि तुम्हारे हाथों से खून के कतरे टपके होंगे जब किसी के माँ का लाल आतिफ और साजिद की शहादत को तुमने देखी होगी। यही नहीं, दिल्ली के फसादात हो, महाराष्ट्र के फसादात हो, चाहे अभी तो हमारे नौजवानों को सिर्फ दुबा की आजादी है,